मंगलवार को श्री सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर के तत्वावधान में भव्य रूप से गणगौर महोत्सव का परंपरागत आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। श्री सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर प्रतिवर्ष गणगौर उत्सव का आयोजन करता है, जिसमें इंदौर शहर के अलग अलग स्थानों पर समाज बंधुओं के घर सजाई जाने वाली गणगौर माताओं को फूलमाली समाज मांगलिक भवन जबरन कॉलोनी पर एकत्रित किया जाता है, जहां पर सभी गणगौर माताओं का एक स्थान पर पूजन और महाआरती की जाती है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा झाले भी दिए जाते हैं। पूजन के बाद समाज के मांगलिक भवन से ढोल ताशा बैंड बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें महिला शक्ति अपने सिर पर गणगौर माता को धारण कर जुलूस में शामिल होती है। इस अवसर पर समाज के हजारों लोग सपरिवार शामिल होते हैं। शोभा यात्रा में नृत्य करते हुए समाज की महिला शक्तियाँ शामिल होती है। वहीं जगह जगह कई स्थानों पर जुलूस का स्वागत किया जाता है। श्री सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर द्वारा हर साल की तरह इस साल भी गणगौर उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। करीब 2000 महिलाएं और गणगौर लेकर हमने जुलूस निकाला। हमारी सकल पंच फूलमाली समाज 29 कॉलोनी से लगाकर तो राजबाड़ा तक भी हमने घुमाया और ऐतिहासिक प्रोग्राम था ये। हर साल की तरह इस साल भी हमने मनाया और अभी सभी समाजजन इसमें शामिल होते हैं। ये सकल पंच फूलमाली समाज का 14वां गणगौर उत्सव हैगा और ये यहाँ पर करीबन हमारे 2 से 3 हज़ार की संख्या में माताएं बहनें और सपरिवार यहाँ पर पधारते हैं। हम ये लोग यहाँ से जुलूस के रूप में विभिन्न मार्गों से होते हुए उन्हें हमारे इसी मांगलिक भवन पर उपस्थित होते हैं और यहाँ पर महाआरती के पश्चात महाभोजन प्रसादी भी यहाँ पर होती है। इस आयोजन के लिए समाज की जितनी भी हमारे समाज की गणगौरें हैं वो हमारे यहाँ पर आकर एकत्रित होती हैं और यहीं से हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है। हमारे समाज के अध्यक्ष मांगीलाल चौहान के नेतृत्व में आज ये जो जुलूस निकाला गया ये बहुत ही वृहद था और इसके लिए हम समाजजनों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। समाप्ति के बाद समाज के मांगलिक भवन पर विशाल महाप्रसादी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों समाज जन सपरिवार भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस आयोजन में सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर के अध्यक्ष मांगीलाल चौहान, महासचिव कमल सोलंकी, रविचंद्र पिपलोदिया, राजेंद्र वर्मा, डॉक्टर राजकुमार चौहान सहित कई अन्य लोगों का विशेष योगदान रहा।